दुनिया के टॉप अरबपतियों को तो आप जानते होंगे। इसमें एलन मस्क, बर्नार्ड से लेकर भारत के दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के नाम भी शामिल हैं। लेकिन दुनिया का पहला खरबपति कौन और कब होगा, इसे लेकर भी एक रिपोर्ट आ गई जिसने सभी को चौंका दिया है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद लगातार देश के अरबपति गौतम अडानी को नुकसान हुआ है। उन पर विपक्ष के नेताओं ने भी कई दफा आरोप लगाए हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी के शेयर आसमान से जमीन पर आकर भी लुढ़क गए, लेकिन फिर भी अडानी को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अब नई रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी दुनिया के दूसरे खरबपति बन सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का पहला खरबपति साल 2027 तक मिल सकता है। एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति शख्स बन सकते हैं। साल 2027 तक उनकी नेटवर्क 1,00,000 करोड़ रुपए पहुंच सकती है। उनके एक साल बाद ही भारत को अपना पहला ट्रिलियनियर मिल सकता है। देश के तीसरे सबसे बड़े औद्योगिक घराने अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी 2028 में ट्रिलियनियर बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनकी नेटवर्थ में सालाना औसतन 123% की तेजी आनी चाहिए। ब्लूमबर्ग बिलियनियर के मुताबिक मस्क अभी 237 अरब डॉलर के साथ दुनिया के सबसे बड़े रईस हैं। वहीं अडानी 99.6 अरब डॉलर के साथ दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 13वें नंबर पर हैं। इन्फोर्मा कनेक्ट एकेडमी की एक स्टडी के मुताबिक टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्स जैसी कई कंपनियों को चला रहे एलन मस्क का नेटवर्क सालाना 110% औसत रफ्तार से बढ़ रहा है। इसके मुताबिक 2027 तक उनकी नेटवर्क 4 गुना से ज्यादा बढ़ जाएगी। इस साल अब तक उनकी नेटवर्क में 7.73 अरब डॉलर की तेजी से आई है। दूसरी ओर अडानी की नेटवर्क सालाना 123% की औसत से रफ्तार से बढ़ रही है। अगर उनकी दौलत इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो वह साल 2028 तक ट्रिलियनियर बन जाएंगे। इस साल उनकी नेटवर्थ में 15.3 अरब डॉलर की तेजी आई है। अडानी एशिया के अमीरों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी के बाद 2 नंबर पर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एआई चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया के सीईओ जेसन हुआंग और इंडोनेशिया के सबसे बड़े रईस प्रोजोगो पिकास्तु भी 2028 तक इस क्लब में शामिल हो सकते हैं। फ्रांसीसी कारोबारी और दुनिया के तीसरे सबसे बड़े रईस बर्नार्ड साल 2023 तक ट्रिलियनियर बन सकते हैं। उसी साल फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग भी ट्रिलियनियर क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। अब तक केवल कुछ ही कंपनियों को इस क्लब में जगह मिली है। इनमें एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, अल्फाबेट, अमेजॉन, सऊदी अरामको और मेटा शामिल हैं। वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे ने भी हाल ही में 1 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट खेप हासिल किया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।